पॉइंट्स हैं, एक ये कि पुलिस ने रिस्पांस क्यों नहीं किया, पीएचए की सिक्योरिटी अपने कहाँ थी, दूसरा मुहर्रम था, बहुत सारी पुलिस की नफरी वहाँ पर भी तैनात थी, ये गलतियाँ तो हैं। दूसरा हमने फिर जब इशू बहुत ज़्यादा हाईलाइट होता है, हम देखते हैं कि सीएम साहब इंस्पेक्शन लेते हैं, वज़ीर आज़म इंस्पेक्शन लेते हैं, और सीएम साहब की नाहली एक ये सामने आती है कि वो ये कहते हैं कि मंडे को रिपोर्ट सबमिट करवाई जाए इस वाक़े की, और मंडे से पहले आप पुलिस की पूरी कमांड को उठाकर साइड पे कर देते हैं। जब आप तबादले करेंगे, एक बंदा आई हैव सीन डीआईजी ऑपरेशंस, ही इज सो स्मार्ट, ही इज सो प्रोएक्टिव, उन्होंने एक एक थाने में जाकर विजिट किया है। मैं हमायत नहीं कर रही, मैं सिर्फ इशू की तरफ आ रही हूँ कि ये वीडियोस मजीद वायरल हो रही हैं, लोगों में मजीद गम और गुस्सा आ रहा है, बहुत सारे लोग इस पर इजहार राय भी दे रहे हैं। जब आप पूरी कमांड उठाकर, डीआईजी ऑपरेशन सरबरा होता है, एसएसपी ऑपरेशन सरबरा होता है, एसपी सिटी उस पूरे सर्कल को देख रहा होता है, फिर डीएसपी एसएचओ, आपने उन्हीं इलाकों की जहाँ पर वीडियोज आ रही थी पूरी कमांड को उठाकर साइड पर फेंक दिया, मंडे तक की रिपोर्ट का वेट भी नहीं किया। अब जो नए वाकयात खुदा ना खास्ता ये जो रिपोर्ट हो रहे हैं, इनको देखने के लिए जब कोई नया ऑफिसर आएगा तो उसकी इंक्वायरी कैसे होगी, या वो कैसे उसको इन्वेस्टिगेट करेगा जब वो यही जिम्मेदारी डालेगा कि पुराने ऑफिसर थे उनको बेहतर शायद मजीद पता था कि अब तक इंक्वायरी क्या होगी। तो एक तो ये लूप होल है, दूसरा हमारे यहाँ अब खवातीन हो या मर्द हों, डिजिटल मीडिया ने तबाह करके रख दिया है। रातों रात मशहूर होने के 5-6 वाकयात माजी में आए, मैं नाम नहीं लूँगी, जिनमें से कोई अच्छा बोलता है, कोई अच्छा गाता है, तो वो रातों रात मशहूर हुए और उससे लोगों को लगा कि शायद ये। यहाँ पर बात ये करने वाली है कि क्राइम प्रिवेंशन कितनी ज़रूरी है, फिर उन रेड फ्लैग्स जो होते हैं लोगों को क्यों नहीं पता कि वो रेड जोन में जाना आपके लिए ठीक नहीं है। आप और मैं तो नहीं जाते, हम जुलूस भी कवर करते हैं, हम हर तरह का बड़ा इवेंट भी कवर करते हैं, लेकिन हमें ये तो पता होता है कि हमने कहाँ खड़े होना है, कहाँ खड़े नहीं होना, या किस तरह करना है। ये बेसिकली उनका जो भी प्लान था, जहाँ तक मेरी अपनी इन्वेस्टिगेशन है, वो यही था कि वो एक बड़ी ऑडियंस को कैच करके टिकटॉक पे एक अच्छी वीडियो बना सकेंगे, शी बिकेम द। यहाँ पर हर बंदे ने फ़ायदा उठाया। अब इसकी जब इन्वेस्टिगेशन होगी, 400 अफराद को पकड़ा जाएगा कहा जा रहा है, 400 अफराद बताया जा रहा है एक फिगर। मुझे बताएं कि उसमें से जिस शख्स को पकड़ा जाता है, आप कैसे उसको मुलजम साबित करेंगे? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो कहे कि मैं तो सेल्फ डिफेंस में ऐसा कर रहा था, या मैं तो उनको बचा रहा था। तो आपने वीडियो देखी है, बिल्कुल मैंने उस औरत को पकड़ा हुआ है, लेकिन मैं तो उसको सेव करने के लिए पकड़ रहा था, मैं इस तरह नहीं कर रहा था। यहाँ पर तमाम चीज़ें, तमाम बातें ठीक है, लेकिन हर शख्स को ये सोचना पड़ेगा कि मुआशरा किधर जा रहा है, ये कौन सी ऐसी फ्रस्ट्रेशन है जो बढ़ती ही चली जा रही है दिन ब दिन। ये वाकयात हुए 14 अगस्त को, 4 वाकयात लाहौर में और रिपोर्ट हुए, जो ऑफिस के अंदर हरासमेंट हुई, जो आपकी इंटरव्यू की फेक कॉल की, वहाँ पर बच्ची को जिनसी हरासी का निशाना बनाया। मुझे बताएं इस वाकये में और मीनारे पाकिस्तान वाकये में क्या फ़र्क है? प्राइवेट और पब्लिक का फ़र्क है, सोच का कहीं फ़र्क नहीं है, सोच का कहीं फ़र्क नहीं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप ये फैक्ट्स निकालें। और यहाँ पर जो मैं समझती हूँ सबसे बड़ा मसला ये है कि बुखार हो तो आप 50 रुपये के डॉक्टर से दवाई ले सकते हैं, बहुत सारी डिस्पेंसरीज खुली हुई हैं। आप सोशल आइसोलेशन का शिकार हैं, आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, आपके साथ कोई, आप ब्रोकन चाइल्ड हैं, आपके पास साइकेट्रिस्ट की कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं है। इफ़ यू हैव 5,000 रुपीज तब आप वहाँ पर जा सकते हैं। फिर मुआशरे में एक बहुत बड़ा लूप होल है कि आप साइकेट्रिस्ट के पास गए हैं। अगर मैं स्ट्रेस्ड आउट हूँ, या तहमीना स्ट्रेस्ड आउट है, या आप स्ट्रेस्ड आउट है, हम जा सकते हैं साइकेट्रिस्ट के पास। हो सकता है कि अगली स्टोरी में किसी बंदे को मेरी कोई बात पसंद ना आए तो वो कहे कि ये तो साइकेट्रिस्ट के पास जाती है, तो वैसे ही पागल है। एग्जैक्टली। एक तो ये बड़ा अलमिया है, इसको हमें अवेयरनेस कंपेन चला के ठीक करना पड़ेगा। दूसरा, गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई फ्री लीगल एड के, जैसे आपने बनाए हुए हैं पंजाब हुकूक कमीशन है, उसमें फ्री लीगल एड मिलती है, यहाँ पर फ्री मेंटल हेल्थ के लिए साइकेट्रिस्ट का भी पैनल बनाएं, ताकि लोग फौरी रीच आउट कर सकें, अपना मसला बता सकें, उनकी प्राइवेसी इंश्योर करें, ताकि फ्रस्ट्रेशन का लेवल और मेंटल हेल्थ के मसले ख़त्म होंगे, तभी इस तरह के वाकयात कम होंगे।